गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे हम नाइन्थ में हम चैप्टर टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर हो चुका, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज सब पढ़ लिया। उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके के टिश्यू होते हैं, किसके क्या फंक्शन होता है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हम प्लांट टिश्यूज एक बार रिवाइज करेंगे और एक बार एनिमल टिश्यूज रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आज हम प्लांट टिश्यूज रिवाइज करेंगे। प्लांट टिश्यूज कितनी थी, कौन कौन सी थी, दो तरीके की थी स्पेशली। सबसे पहली बात अगर हम करें, मेरिस्टमैटिक परमानेंट। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो थी, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में आती है ऐसे टिश्यू, मतलब ऐसे सेल्स थे जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं, वो डिविजन कर करके बाद में जो जिस जैसे भी टिश्यू की जरूरत होती है, जिस भी तरीके के सेल की बनाने की जरूरत होती है, उस तरीके का सेल वो बना लेते हैं। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इसीलिए मैंने क्लास में भी एक बार जब हमने डिस्कस किया था, मैंने ये वर्ड बताया था टोटिपोटेंट। मेरिस्टमैटिक सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं, यानी कि टोटिपोटेंसी नाम की जो कैपेबिलिटी है वो इनमें होती है, यानी कि हर सेल कुछ भी बना सकता है। लाइक ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जाइलम का सेल बनाना है तो जाइलम को बना देंगे, जिस भी टिश्यू का जो भी सेल बनाना है वो ये बना देते हैं, इसीलिए इनको टोटिपोटेंट बोलते हैं, क्योंकि इनका फेट अभी तक या फिर फ्यूचर अभी तक फिक्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज इसकी। चलो एक बार पहले इसके टाइप्स और डिस्कस करते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू हमने कितने टाइप्स की डिस्कस की थी, तीन। एक था एपिकल, एक था इंटरकैलरी और नेक्स्ट था लेटरल। एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इनका काम क्या है, अगर हम एक बार के लिए स्टेम मानते हैं, जैसे अब सपोज हम ये प्लांट मानते हैं, तो इसमें ये हो गया आपका एपिकल। अगर यहाँ पे ये नोड है, नोड के बेस पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम साइड में होता है। अब इनसे पता ही चला इनके फंक्शन क्या है। एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होता है, लेंथ को ग्रो करना। इसलिए प्लांट धीरे धीरे ऐसे ग्रो करता है, यहां से कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो प्लांट ग्रो कर रहा है, ये डिवाइड होता रहेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम भी लेंथ को बढ़ाना होता है और साथ साथ लीव्स की भी ग्रोथ करता है, ये है ना, यही पे बेस में प्रेजेंट होता है लीव्स के में, तो लीव्स की भी ग्रोथ करेगा, लीव्स भी ग्रो करते हैं। और लेटरल मेरिस्टम होता है जो साइड्स में प्रेजेंट होता है, इसका काम थोड़ा अलग होता है, ये गिर्थ इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आती तो होंगे, बट एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि यू विल नॉट फॉरगेट इट। ओके, ये थे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। अब अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज थी दो टाइप्स की, सिंपल कॉम्प्लेक्स बाद में करेंगे, पहले एक बार ये समझाती हूँ गिर्थ होता क्या है। ये होती है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, यानी कि ये थिकनेस बढ़ाती है, मोटापा बनाती है, यानी कि जो स्टेम होती है, न्यू प्लांट जो होता है उसकी स्टेम बहुत थिन होती है ना, धीरे धीरे वो इतनी मोटी हो जाती है, इतनी बड़ी सी हो जाती है, वो थिकनेस को जो इंक्रीज करता है वो लेटरल मेरिस्टम करता है। ओके, और ये जो एपिकल मेरिस्टम ये टिप्स पे प्रेजेंट था, रूट्स और शूट दोनों के में, जैसे ये स्टेम की शूट पे प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है, तो वैसे ये रूट्स की भी जो टिप्स होती है उन पर भी प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी लीव्स की ग्रोथ करता है, लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होता है और आपका प्लांट की भी ग्रोथ करता है। और लेटरल मेरिस्टम जो है ये साइड्स में जो प्रेजेंट होता है वो थिकनेस बढ़ाता है या गिर्थ बढ़ाता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट दो तरीके की है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब इसको मिटाना पड़ेगा वरना हम इतना कुछ कहां लिखेंगे। चलो परमानेंट, पहले हम सिंपल की बात करते हैं। किस बेसिस पे हम सिंपल बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, सिंपल हम बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है पैरेन्काइमा। प्लीज इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनको बोलने का तरीका अच्छे से सीख लेना। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वो टिश्यू होती है जिसमें जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, एपिडर्मिस जो होती है ना, एपिडर्मिस सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो तीन से चार
चार लेयर्स होती हैं वो पैरेन्काइमा की लेयर्स होती हैं। और पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज में हेल्प करता है बेसिकली। इसकी दो मॉडिफिकेशंस हैं, इसकी दो मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी है, क्लोरेन्काइमा और दूसरी है एरेन्काइमा। वर्ड से समझ आ रहा है क्लोरेन्काइमा, क्लोरो। अब ये जो क्लोरेन्काइमा है, हम पैरेन्काइमा के सेल्स को क्लोरेन्काइमा हम तब बोलते हैं कि पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा तब बोलेंगे जब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यानी कि पैरेन्काइमा के ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और जब क्लोरोफिल होता है तो पैरेन्काइमा मॉडिफिकेशन शो करता है क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा होता है जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लोटिंग प्लांट्स में होता है। फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं, उनको एयर कैविटीज की ज्यादा जरूरत है तभी तो फ्लोट कर पाएंगे पानी में, बायोम से प्रोवाइड करता है वो। अब बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा देखा, पैरेन्काइमा स्पेशली एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो तीन चार लेयर्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेनकाइमा जो होता है ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, इस तरीके से हम बता नहीं सकते कि कहाँ प्रेजेंट होता है। ये उन सारी जगहों पे प्लांट में प्रेजेंट होता है जहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि प्लांट के वो सारे पार्ट्स जिनको आप बेंड कर सकते हो या फिर जो फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली मूवेबल है, वहां उन सारी जगहों पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स में। अब हम आगे बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा वो होती है जिसमें, अब जैसे एक चीज और, हम सेल्स के बेसिस पे हमने शुरू में जब हम बता चुके थे, बात तो पता है आपको कि प्लांट्स में डेड टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं क्योंकि इनको जरूरत होती है मैकेनिकल सपोर्ट की। पैरेन्काइमा लिविंग होती है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा एक सिंगल सिंपल ऐसी परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके सेल्स डेड होते हैं। और इसका काम क्या होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करना। जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, ये हार्डनेस प्रोवाइड करती है। अब इसके एग्जांपल सीड्स जो है वो हार्ड होती है बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। कोकोनट देखा है ना, उसका बाहर का जो कवरिंग होती है हार्ड होती है, वो सारे डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा की वजह से हार्ड होती है, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सीड्स में डेड सेल्स होते हैं, नट्स में डेड सेल्स होते हैं, जिनसे मतलब स्क्लेरेनकाइमा जो वो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ग्वावा खाया होगा अमरूद, उसमें जो बीज होते हैं उसके बहुत टाइट होते हैं ना, जो हार्ड होते हैं वो बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। इनमें एक ही तरीके के सेल्स थे, अब इनके सेल्स के एक बार डायग्राम और देख लो फिर बताते हैं आगे। जो ये पैरेन्काइमा थी इनमें ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इस तरीके के सेल्स, ओवल शेप्ड सेल्स बोल सकते हो, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, और उसके बाद ये हो गई आपके इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कोलेनकाइमा में जो सेल्स है ये पेंटागोनल शेप्ड होते हैं या हेक्सागोनल, किसी भी तरीके हेक्सागोनल बना है। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे कितनी प्रेजेंट होती है, और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती। ये भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होती है। स्क्लेरेनकाइमा की इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इसमें एक तो थिकनिंग भी इसमें यूनिफॉर्म होती है, यानी कि पूरा का पूरा सेल ऊपर से नीचे एज इट इज थिक रहता है। इसलिए इसका जो बीच का ल्यूमन है ना, जो जगह होती है इनके बीच में गैप, वो बहुत ही कम रहता है, तो ल्यूमन नैरो हो जाता है। इनमें नैरो ल्यूमन होता है, और ये जो सेल्स स्क्लेरेनकाइमा के ये डेड होते हैं। ठीक है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम कॉम्प्लेक्स को और रिवाइज करते हैं। क्या जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू हम उनको बोलते हैं, ऐसी टिश्यूज को जिनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनमें दो या दो से ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आपको पता है दो होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या होती है, जाइलम के थ्रू इट ट्रांसपोर्ट वाटर। और ये ट्रांसपोर्ट फूड। ओके, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये वाटर और मिनरल्स को। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये एनर्जी रिक्वायरिंग यानी कि एटीपी रिक्वायर करता है, और तब इसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में इसकी जरूरत नहीं होती, और ये चीज हमने पढ़ी थी क्यों नहीं होती है, क्योंकि जाइलम में दो ऐसे फोर्सेस हमने पढ़े थे कि दिन के समय तो जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता रहता है ना स्टोमेटा के थ्रू,
उसकी वजह से पानी जाइलम वेसल्स में अपने आप खिंचता रहता है, ऊपर से उड़ता रहता है तो नीचे से अपने आप जो पुल क्रिएट होता है उसकी वजह से पानी जाइलम वेसल्स में आता रहता है और 24 घंटे वाटर का ट्रांसपोर्ट चलता है। और रात के समय जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता उस वक्त क्या होता है, जो रूट्स में प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से जाइलम में वाटर मूव करता है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें, इसमें फूड सिंथेसाइज होता है और ये फूड सिंथेसाइज या फूड ट्रांसपोर्ट होता है, सिंथेसाइज तो लीव्स में होता है। अब आपको पता है फूड जो सिंथेसाइज हुआ है वो सब लीव थोड़ी खाएंगे, जिसने बनाया वही खाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, घर में भी ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पे फूड को रूट्स तक भी पहुंचना होता है। अब यहाँ पे जो है ना फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये जब जरूरत होती है तब होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी हो, जिस भी तरीके की जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब इनके कुछ सेल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो मिलके ये बनाते हैं, जाइलम के सेल्स और फ्लोएम के। हम जाइलम के सेल्स की बात करते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। आपको पता है ट्रैकीज जो वेसल्स के साथ जाइलम में लिखा है कि इनके साथ लिखा है, क्योंकि दोनों चीज फ्लोएम में भी प्रेजेंट होती है, तो उनमें हम बोलेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स और यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीज जो वेसल्स जो है कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, पता है आपको सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो डेड सेल्स इजीली वो कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये थे आपके कंडक्टिंग सेल्स और ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और ये स्टोरेज में हेल्प करता है। और वैसे अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में आते हैं सेल्स सीव ट्यूब्स। आपको मैंने बताया ना एनसीईआरटी में एक सेल और लिखा सीव सेल्स, जो सीव सेल्स मिलके सीव ट्यूब्स बनाते हैं ना, आप उनको सीव सेल्स अलग से भी बोल सकते हो, तो पांच कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे इसके, पांच कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हो जाएंगे, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और फिर सेम वही फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आपके फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। आज हमने प्लांट टिश्यूज पूरा रिवाइज किया है, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल नाउ, अब किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एक चीज और रह गई, फ्लोएम में क्या होता है, इसमें फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं, सिर्फ ये डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं, क्योंकि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए तो लिविंग सेल्स की जरूरत होगी, तो यहाँ ये सारे लिविंग है, यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सारे डेड है। आपको इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगी, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जब हमने डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा ऐसा है जिसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, तो पैरेन्काइमा तो जहां पे भी आएगा तो सेल्स तो डेफिनेटली लिविंग है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने की जरूरत नहीं है। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हम एक बार एनिमल टिश्यूज और रिवाइज कर लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो। सो थैंक यू क्लास।